उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मंडलायुक्त कार्यालय पर आज भारी संख्या में ग्राम प्रधानों ने एक साथ इकट्ठा होकर जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह से मिलने की गुहार को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक में मौजूद थे वहीं ग्राम प्रधानों ने एक साथ इकट्ठा होकर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग मुरादाबाद जनपद में जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह से लगाई है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि लगातार जो विकास कार्य उनके द्वारा गाँव में किए जा सकते हैं वे कोई भी ठेकेदार नहीं करा सकता, जिसको लेकर आज सभी ने एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। वहीं जब ग्राम प्रधान पति से जानकारी की गई तो ग्राम प्रधान पति के द्वारा बताया गया कि आज अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है और ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया का विरोध जताया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी ग्राम प्रधानों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम रविंदर चौधरी, ग्राम प्रधान पति हातिब्र भाउद्दीन, अखिल भारतीय प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष बिलारी। जे आज हमारी मांग में सर्वप्रथम जो मांग है वो टेंडर प्रक्रिया रद्द किए जाने के संबंध में है। हमारा माननीय जिलाधिकारी साहब से निवेदन है जो टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है ये टेंडर प्रक्रिया खत्म की जाए, क्योंकि जो गांव में ठेकेदार जो काम कराएगा वो केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से काम कराएगा, लेकिन ग्राम प्रधान लोगों के बीच में रहता है और वो जो काम कराएगा सही गुणवत्ता में काम कराएगा। तो हमारा माननीय DM साहब से ये अनुरोध है कि जो टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है इसे जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, इसके संबंध में हम ज्ञापन देने DM साहब को आए। किस तरह का साफ परेशानी के सामना करना पड़ेगा? जी हमें बहुत परेशानी है, जो टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है इसमें ठेकेदार पैसे कमाने के उद्देश्य से काम कराएगा और जो भी खराब काम होगा गुणवत्ता सही नहीं होगी उसका जिम्मेदार प्रधान होगा, बुराई प्रधान को मिलेगी और पैसे ठेकेदार कमाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, जो प्रशासनिक काल में जो घोटाले हुए हैं वो सचिवों ने किए हैं, सचिवों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ना उसमें पूर्व प्रधान जिम्मेदार है ना वर्तमान प्रधान जिम्मेदार है। हमारा कहना ये है माननीय जिलाधिकारी साहब से, जो टेंडर प्रक्रिया लागू की है केवल पूरे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला में जो लागू की गई है इसे खत्म किया जाए और प्रधानों के माध्यम से ही गाँव का विकास कार्य कराया जाए।